आज मैंने बनाई है रक्षाबंधन स्पेशल थाली। तो देखिए इसमें कितनी वैरायटी, और ये मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाई है। इसे आप इस रक्षाबंधन पर जरूर बनाएं, आपके भाई जरूर खुश होंगे। एक बार जरूर ट्राई जरूर करें ये, और ये बहुत ही आसान रेसिपीज है। तो सबसे पहले बनाने जा रहे हैं हम आलू की सब्जी। तो ये ऑयल गर्म हो गया है, इसमें सबसे पहले चुटकी भर हींग ऐड करेंगे। इसके बाद पंचभगा, जिसमें मैंने राई, जीरा, सौंफ, खड़ा धनिया और मेथी दाना लिया है। अब ये 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अब ये 4 आलू, जिसे मैंने बॉईल करके कट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। बहुत इजी सब्जी है, इसे जरूर ट्राई करें। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और 1 टी स्पून अमचूर। आलू पहले से बॉयल है, इसलिए ज़्यादा टाइम सब्जी में नहीं लगने वाला है। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये सब्जी है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। ढककर 3 से 4 मिनट बनाएंगे। ये देखिए सब्जी तैयार हो गई। पूरी से खाने में ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब दूसरी सब्जी हम पनीर बनाएंगे। अब हम पनीर बनाने जा रहे हैं। यहाँ मैंने घी गरम कर लिया है, मैंने देसी घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून देसी घी लिया है, गरम हो गया है। अब इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 2 बड़ी इलायची, तेज पत्ता, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है। अब ये 2 मीडियम प्याज लिए मैंने, जिसका पेस्ट बना लिया है। अब इसे भी ऐड कर देंगे। इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। ये प्याज अच्छी तरह से भून गई। अब इसमें टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया है, उसकी प्यूरी बना ली है। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। ये टमाटर भी अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ही जीरा पाउडर। इन्हें भी अच्छी तरह से भून लेंगे। ये बिल्कुल मार्केट जैसा पनीर बनने वाला है, आप इसे जरूर ट्राई करें। ये मसाले भून गए हैं, अब इसमें काजू पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 10 से 15 काजू लिए हैं, जिनका पेस्ट बना लिया है। ये देखिए मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं।
अब इसमें आधा कटोरी दही और साथ ही साथ आधा कटोरी क्रीम ऐड कर देंगे। लगातार चलाएंगे नहीं तो दही फट जाता है। ये सारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, अब इसमें पनीर ऐड कर देंगे। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और इसके इस तरह के टुकड़े कर लिए। आप अपनी पसंद से कर सकते हैं पीसेस, जैसे आपको पसंद हो। ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। दो मिनट ढक के पकाएंगे। ये पनीर तैयार हो गया है। अब हम खीर तैयार करेंगे। तो आज हम बना रहे हैं सिवैयों की खीर। चावल की खीर तो आप हमेशा बनाते हैं, अब की बार आप सिवैयों की खीर बनाएं। तो ये मैंने घी गरम कर लिया, थोड़ा सा घी लिया है, इसमें सिवैयां फ्राई कर लेंगे। हल्का सा भूनना है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। थोड़ी सी ये ब्राउन हो जाए बस, बस ये हो गई। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये मैंने दूध गरम कर लिया है, ये आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध है। दूध ऑट गया है, अब इसमें सिवैयां ऐड कर देंगे। आज मैं जो भी रेसिपी बता रही हूँ वो बहुत ही इजी है, आप फटाफट बना सकते हैं और सारी ही मज़ेदार बनने वाली हैं। सिवैयों में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये फटाफट बन जाएगी। अब इसमें शक्कर ऐड कर देंगे, ये 5 टीस्पून शक्कर ऐड किए, आप अपनी पसंद से जितना पसंद करते हैं उतनी ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा केसर, इलायची पाउडर, ढककर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ये देखिए सिवैयों की खीर तैयार हो गई। यहां पर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, अगर आप थोड़ा सा मावा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, मैं बादाम और किशमिश ले रही हूँ। बस ये तैयार है, देखिए कितनी जल्दी तैयार हो गई। अब हम बनाएंगे रायता। तो यहाँ मैंने दही लिया है, इसमें मैंने लिया है 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक और 2 टीस्पून शुगर पाउडर। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें बूंदी ऐड कर देंगे। ये देखिए झटपट से रायता भी तैयार हो गया। और ये लास्ट में गरम गरम पूरियां भी तैयार हो गई।